इसमें चार डायमेंशन हमने याद करवाए थे, स्पीड, वेलोसिटी, चाल, वेग। एलटी माइनस वन त्वरण, एक्सेलरेशन। एक और एक्सेलरेशन होता है जी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। पी माइनस बल, फोर्स, एमएमए, एमए फोर्स हो गया, वर्क में ये पिछले टर्म पे नहीं लिखा था, ये देखो इस मॉडल जो आज आए हम वो सब लिखे स्मॉल डी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल डी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपन से लिख लो एल टी माइनस वन, बी का क्या है एल टी माइनस कार्य का त्वरण है, स्मॉल जी का डायमेंशन इतना है, जितना त्वरण का है उतना गुरुत्वीय त्वरण का है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब वेग में परिवर्तन गुरुत्व के कारण हो, प्रति के कारण हो, तो उसको बोलते हैं गुरुत्वीय। बेटा मास का हो तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब वेग में परिवर्तन गुरुत्व अर्थात पृथ्वी के कारण। क्या लिख लिया, गिर दिया, लिखो फास्ट। वेग एल टी माइनस अगर इससे हम संवेग बनाए, संवेग मोमेंटम कुछ नहीं कहा जाए तो लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग एम इंटू वी, एम का तो एम, वी का हमने याद कर लिया एल टी माइनस, और एम को लिखते हैं किलोग्राम, वेलोसिटी को मीटर पर लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये संवेग, संवेग का मतलब क्या है, उसमें द्रव्यमान भी है और वेग भी है। अभी आपका संवेग कितना है, जीरो। क्या जीरो है, इसमें द्रव्यमान जीरो है कि वेग जीरो है, आपका अभी वेग जीरो है, द्रव्यमान तो जीरो होता नहीं है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अभी आपकी क्या जीरो है, वेलोसिटी, तो लिखेंगे मोमेंटम लिखे हैं मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम लिखे हैं मास इनटू वेलोसिटी। संवेग बराबर द्रव्यमान
लिया, मोमेंटम लिख लें, और कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय समय, कुछ नहीं कहा जाए तो रेखीय, लीनियर, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। तो चार डायमेंशन अपन इसको याद कर लेंगे, इनसे ही अन्य बन जाते हैं। वेलोसिटी याद कर लिया, वेग याद कर लिया, त्वरण याद कर लिया, बल याद कर लिया, और कार्य याद कर लिया। जो डायमेंशन संवेग का है वही आवेग का है। आवेग और कितना आया था, मोमेंटम का है वही इंपल्स का है। टोटल एनर्जी इन कंडेंसर संधारित्र में संचित ऊर्जा ये होती है 1/2 सीवी स्क्वायर। और इसका डायमेंशन भी क्या होगा, क्योंकि एनर्जी है ML2T-2, ये एनर्जी है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा ML2T-2। स्टोर्ड एनर्जी कॉइल कुंडली में संचित ऊर्जा 1/2 LI स्टेप्स कभी 1/2 नहीं दें तो भी डायमेंशन यही होगा। जैसे आपसे कहा जाए CV स्क्वायर LI स्क्वायर का डायमेंशन कितना है, तो आप कहना क्या इसको रट लिया जाए, हाँ इसको रट लो, किसका है, एनर्जी का, ऊर्जा का, कौन सी ऊर्जा, ये एनर्जी कंडेंसर में स्टोर होती है 1/2 CV स्क्वायर, ये कुंडली में स्टोर होती है 1/2 LI स्क्वायर। कुंडली में संचित ऊर्जा 1/2 LI स्क्वायर, स्टोर्ड एनर्जी कंडेंसर 1/2 CV स्क्वायर, स्टोर्ड एनर्जी कंडेंसर 1/2 CV स्क्वायर। ये अपन जानते हैं वर्क का डायमेंशन कार्य का ऊर्जा का एक ही है, एनर्जी का एक ही है, कितना है ये है ML2T-2। ये अपन याद कर लेंगे कंडेंसर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है 1/2 CV स्क्वायर, कॉइल में कितनी एनर्जी स्टोर होती है 1/2 LI स्क्वायर। एनर्जी ही कार्य ऊर्जा ऊष्मा इनका डायमेंशन सेम है, वर्क एनर्जी हीट
इनका डायमेंशन सेम है। शक्ति कार्य करने की पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन सी। पी को वाट बोल दीजिए, डब्ल्यू को जूल बोल दीजिए और टाइम को सेकेंड। वाट बराबर जूल अपॉन सेकेंड। जब भी दर आया करे टाइम से डिवाइड कीजिए। वर्क का डायमेंशन आप लोगों ने रट रखा है, टाइम का टी, तो पावर का डायमेंशन हो गया वर्क का आप लोग रट लें कार्य को जूल लिखते हैं, डब्ल्यू मतलब वर्क, वर्क मतलब कार्य। जब भी ये दर आएगा, दर का मतलब टाइम से डिवाइड करना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कार्य करने की दर। तो शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर। वाट बराबर जूल अपॉन सेकेंड। और एक हॉर्स पावर जानते हैं कितना होता है? 740 वाट। और एक किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। एक किलोवाट बराबर 1000 वाट। एचपी मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, घोड़े की शक्ति, वन हॉर्स पावर 746 वाट। पावर वर्क अपॉन LYR, RC, क्रूड LC, इसका डायमेंशन होता है T के बराबर। RYL, 1 upon RC, 1 upon क्रूड LC, इसका डायमेंशन होता है T inverse, सेकेंड इनवर्स। और ये टी मतलब टाइम, टाइम मतलब सेकेंड। अपॉन क्या है? एल क्या है? तो एल को कहते हैं इंडक्टेंस। प्रेरक आर को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध।
और इसका यूनिट रखेंगे अपन ओम, प्रतिरोध का यूनिट ओम। और सी क्या है, सी कैपेसिटेंस मतलब धारिता, और इसका यूनिट क्या होता है फैरड, धारिता का यूनिट। तो अपन को ये याद कर लेना है रूडेल सी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उल्टा करो, ये छह प्रश्न आपके ऊपर एल वाई आर आर सी रूड एल सी का डायमेंशन किसके बराबर है, टी के बराबर है। क्या इसको याद करना होगा, हाँ याद कर लो, टी इनवर्स, इसका डायमेंशन टी इनवर्स। टी इनवर्स को वैसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। एल वाई आर आर सी रूड एल सी ये कितना है टी, इसका उल्टा करेंगे तो बन जाएगा टी इनवर्स, सही इनवर्स। एल क्या है, इंडक्टेंस प्रेरकत मतलब हेनरी। आर क्या है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध मतलब ओ। सी क्या है, कैपेसिटेंस मतलब फैरड। और ये आपने सी का था, इसको क्या बोलोगे, पिको फैरड, 10^-12 फैरड। पिको फैरड कितना होता है, 10^-12 फैरड, पिको फैरड। और अगर हम इसको कहें नैनो फैरड, 9 फैरड, तो फैरड किसका यूनिट है, कैपेसिटी का, फैरड कैपेसिटी का यूनिट है। फैरड किसका यूनिट है, तो फैरड कैपेसिटी का यूनिट है। आर सी का डायमेंशन क्या है, टी। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम आपको आर का डायमेंशन कैलकुलेट करके बताएंगे, सी का डायमेंशन कैलकुलेट करके बताएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आर सी का डायमेंशन टी होता है, रूड एल सी टी। आवृत्ति क्या होती है, 1/T, फ्रीक्वेंसी 1/T। इसको अपन कैपिटल जी से लिखते हैं, एक फॉर्मूला ये याद करेंगे, जी एम वन एम टू अपॉन क्या है, ये न्यूटन्स लॉ है, ग्रेविटेशन ये दो मास हैं, दो द्रव्यमान हैं, एम वन एम टू, और ये आर डिस्टेंस पे रखिए। एफ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन हमने आपको रटवा दिया था, एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। जी एम वन एम टू एम स्क्वेयर, और डिस्टेंस का जी का डायमेंशन आ गया एम माइनस वन। इसके डायमेंशन में एल क्यू का ध्यान रखना थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही ऑप्शन में एल क्यू देते हैं। तो एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू, बेटा तुम नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, कॉपी ले आओ। तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू जी
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके डायमेंशन में क्या आएगा, एल क्यू। इसका हम यूनिट बनाए तो एफ का यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन, न्यूटन m1 m2 किलोग्राम स्क्वायर और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। जी का जो यूनिट बना, जी का यूनिट वैल्यू भी याद रखेंगे और यूनिट देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो जी का जो यूनिट बन रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। समझ में आया यूनिट ऐसा क्यों बना, एफ का न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो इतनी है 6.67 × 10⁻¹⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। कैपिटल जी का डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन है m-1 एल क्यू t-2। एल क्यू का ध्यान रखना, एक ही ऑप्शन ऐसा देते हैं जिसमें वो एल क्यू देते हैं। और स्मॉल जी का तो ध्यान हो गई, वो तो त्वरण था एल t-2, स्मॉल जी का एल t-2। जो अगर अपन वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आयतन क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मीटर 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 मतलब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम डायमेंशन की बात करें एल क्यू, इस सेंटीमीटर का जो क्यू है इसे सीसी भी बोल देते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब घन सेंटीमीटर, ये मीटर का क्यू। अगर हम घनत्व की बात करें, घनत्व डेंसिटी द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का एम हो जाएगा, वॉल्यूम का एल क्यू हो जाएगा एम एल माइनस। सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड
सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल क्यूब, नोट करो। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास का एम हो गया, वॉल्यूम का एल क्यू हो गया, तो एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। एक एग्जांपल लिखेंगे, फोर्स बराबर एक्स अपॉन डेंसिटी, बल बराबर एक्स बटे घनत्व। इसमें आपको x का डायमेंशन बताना है, डायमेंशन ऑफ x, x की विमा। तो फोर्स का डायमेंशन तो आप जानते हैं, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, एक्स एम एल माइनस थ्री, ठीक है। डेंसिटी का एम एल माइनस थ्री पता है कैसे आया, अभी अपन ने किया था। बल का डायमेंशन आप लोगों ने याद कर लिया, एम एल टी माइनस टू। डेंसिटी का डायमेंशन, घनत्व का डायमेंशन एम एल माइनस थ्री, ये अपन को मालूम है। तो यहां से अपन ने एक्स का डायमेंशन लाए, कितना आएगा एम टू एल माइनस टू टी टू। टी माइनस टू एल माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर अपन ने जो याद किया है, फोर्स का डायमेंशन अपन को पहले से याद है, कितना एम एल। डेंसिटी अपन को पहले से पता है, क्या होती है डेंसिटी, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन मतलब एल क्यू। ये नॉलेज आपकी पहले की है, तब जाके अगर ये नॉलेज आपको हो गई तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले आप साइड में ये नॉलेज लिखें फिर ये। तो फोर्स बराबर एम एल टी माइनस टू, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास को एम लिख लें, वॉल्यूम को एल क्यू लिख लें। वन किलोवाट आवर कितना बताया गया है आपको, 3.6 क्या है ये किलो वाट आवर। लेकिन अगर यहां तक लिखा है केवल, तो इसको कहते हैं किलो, इसके साथ लिखेंगे अपन हजार वाट। साथ ही आपको लिखाया गया था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनके पास ये नहीं लिखे हो या लिखे हो दोबारा लिख लो। इसको क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
का डायमेंशन क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्र मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा एल स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। एक कैलोरी कितना होता था, किलोवाट आवर, ये देखो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, 4.18 जूल, एक कैलोरी 4.18 जूल, एक कैलोरी 4.18 जूल। प्रेशर क्या होता है, दाब बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, एफ को कहते हैं न्यूटन, एरिया को कहते हैं मीटर स्क्वायर। अगर सीजीएस की बात करेंगे तो न्यूटन की जगह लिखते हैं डायन और मीटर की जगह लिखते हैं न्यूटन। एफ का डायमेंशन आपने रट रखा है, एरिया का एल स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन आ गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, 1/12, 1/12 का मतलब समझे, एम की पावर 1, एल की पावर 1। डायमेंशन को हमेशा एमएल डिटेल फॉर्म में लिखते हैं, डायमेंशन को हमेशा एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं। तो प्रेशर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर, धीरे धीरे याद होंगे ये फॉर्मूले, पहली बार आप सुन रहे हैं, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। फोर्स का डायमेंशन अपन को याद है एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर। बता दो ये आप स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थ था बुरा प्रेशर स्ट्रेस प्रेशर स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी गुणा यंग्स मॉडुलस बल्क मापन रिजिड मतलब इन सबका डायमेंशन एक ही होता है ML-1 T-2 नोट करें। हाँ बोले ये दृढ़ता होता है या दृढ़ता नाम दृढ़ता दृढ़ का मतलब ये होता है जैसे जिस पर फोर्स लगाए बल लगाए और उसका आकार ना बदले। वैसे तो ऐसी कोई चीज है नहीं लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट को अपन रिजिड मान लेते हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते सामान्यतः उसका आकार चेंज नहीं होता। हाँ एनर्जी डेंसिटी का पहले अभी इतने का है लिखे बुक नोट सब लोग बनाएगा आधा काम तो नोट्स बनाने से ही हो जाता है। ML-1 T-2 तो कुछ क्वेश्चन दे दीजिए। ऐसा युग्म चुनिए जिनकी विमाएं समान हो। सिलेक्ट द पेयर व्हिच डायमेंशंस आर सेम। आप क्या कहेंगे प्रेशर एंड स्ट्रेस दाब एवं प्रतिरोध। तो जिनका डायमेंशन सेम है प्रेशर और स्ट्रेस का अभी हमने पढ़ा था दाब प्रतिबल और प्रत्याशा और आपका डायमेंशन सेम है और कितना है अगर ये पूछे तो ML-1 T-2 याद रखने के लिए जिसकी पावर कुछ नहीं है एक लिख लेते हैं। एल को नीचे क्यों लिखा ये माइनस में एक बटे बारह याद तो ML-1 T-2 तो प्रेशर का डायमेंशन आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। चलो इसको देख के बताइए ये किसका डायमेंशन है। देखो एनर्जी और बल इनके डायमेंशन तो हमने याद करवाए दोनों के क्या थे ये तो याद है। फोर्स का हमने रटवाया था ये किसका बचा है ठीक है पावर आपने देखा था डब्लू अपॉन टी डब्लू टी तो यहां से आया ML-2 T-3 समझ में आ गया पावर होता है डब्लू अपॉन टी डब्लू का हो गया ML-2 T-2 और टी का हो गया टी तो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ML-2 T-3। ये देखिए बताइए इसको देखिए इसके बारे में भी चर्चा हुई थी अपनी इंपॉर्टेंट भी लगा ML-1 T-2 ये किसको व्यक्त नहीं करता। तो हमने आपको बताया प्रेशर स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी के तो एक ही होते हैं
आगे आप सीखेंगे विकृति का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। स्ट्रेन का डायमेंशन कितना होता है? होता ही एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो विकृति का कोई डायमेंशन नहीं है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। विकृति होती क्या है? जैसे आपने एक तार को खींच दिया, मतलब आपने उसमें तार में क्या उत्पन्न कर दी? विकृति उत्पन्न कर दी, स्ट्रेन जनरेट कर दिया। ये पीडीएफ हम ग्रुप पे भेज देंगे, जो बच्चे ग्रुप पे ऐड नहीं हो तो मैसेज करके ग्रुप पे ऐड हो जाना। ये देखिए, बताइए हमने हमने आपको बताया था आर सी डायरेक्ट रट लेना है किसके बराबर? ठीक है, आपको रेलवे की वेबसाइट का नाम पता है? IRCTC, वहीं से टिकट बुक होता है। ये आर सी के साथ क्या लिखा है? टी, याद रखने के लिए। तो आर सी का डायमेंशन किसके बराबर है? टी के। तो आर सी टी, तो आर सी का डायमेंशन, अगर देखो अगर ये सॉल्व करते तो अपन को कितनी दिक्कत आने वाली थी। आर का डायमेंशन लिखते, सी का डायमेंशन लिखते, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते तब जाके होता आर सी। तो आर सी का डायमेंशन हो गया टी। तो आर सी का डायमेंशन होता है टी। कैपिटल जी के डायमेंशन में आपको एक खास ट्रिक बताई थी, एक मोटी ढूंढिए और लगा दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर। हमने क्या बताया था इसमें? एल क्यू आता है। कैपिटल जी के डायमेंशन में हमने क्या बताया? एल क्यू को ध्यान रखना। इसमें दिख रहा है एल क्यू, और भूल जाओ तो सॉल्व भी कर लाना चाहिए। जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू एम स्क्वायर। तो जी का डायमेंशन आ गया एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू। समझ में आ गया इसके डायमेंशन में खास बात एल की भी याद रखना है। बारे में हमने चर्चा की थी। देखो ध्यान हो तो एक कंडेंसर होता है, उसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है? हाफ सीवी स्क्वायर। कंडेंसर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो बराबर टू सीवी स्क्वायर होती है, और जो कॉइल होती है उसमें और 1/2 नहीं भी दें तो भी डायमेंशन कितना होगा? एम एल टू टी माइनस, तो एम एल टू टी माइनस वर्क एनर्जी हीट टॉर्क कपल कैलोरी कार्य ऊर्जा ऊष्मा बलागुण आपसी भी स्क्वेयर हाफ एल आई स्क्वेयर, इसका डायमेंशन कितना होगा? एम एल टू टी माइनस। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप एल आई स्क्वायर पर भी करा देते हैं। आइए किसको बताओ, चलो ये भी हमने लिखाया था। आपको ध्यान होगा आर सी एल को ध्यान से देखो, उसमें टी नजर आ रहा है और रूड है, ये तीन लिखाए थे।
ये दो पर तो बात हो चुकी है, तीसरे का भी क्वेश्चन ला देंगे। और जो नहीं दिया जाता उसको क्या लिख सकते हैं, जीरो जीरो। समझ में आ गया तो बिल्कुल याद कर लेना है। एल वाई आर का डायमेंशन कितना होता है, टी होता है। आर सी का भी डायमेंशन टी होता है। तो एल वाई आर आर सी के डायमेंशन होते हैं टी। चलो एक ये बताओ, तो बताइए स्टोर्ड एनर्जी दी है, आप लोग सीख चुके हैं 12.2 हाफ। तो 1/2 नहीं भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कार्य एनर्जी ऊर्जा हीट उष्मा, इन सबका डायमेंशन ML2T-। वर्क एनर्जी हीट टॉर्क कपल कैलोरी, इन सबका डायमेंशन क्या होता है, ML2T-2 होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या L का आपसे पूछा था उसमें एल आई स्क्वायर का डायमेंशन, ये भी हमने बात की थी आपसे। फ्रीक्वेंसी क्या था, आवृत्ति 1/2 होता है। इसका डायमेंशन कितना आ गया, T-1। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इतने कर रहा हूँ। इसका वीडियो भी है तो वीडियो भी देखना, यूट्यूब पर देख लेना चाहे हमारे चैनल।